डैशबोर्ड्स रिपोर्ट ऑटोमेशंस में आज हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल टाइप के डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे। बेसिकली वो फाइनेंशियल नहीं है पर हम उसको फाइनेंशियल डैशबोर्ड मान के चलते हैं। और एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड को हम कैसे ऑटोमेट करेंगे ये आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले से किसी और का बना हुआ एक रिपोर्ट है, चलिए उसी को देखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं ये कैसे बनेगा जी। ये काफ़ी पहले का बना हुआ है। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड है जो कि ये डैशबोर्ड के डेटा से बना हुआ है और जिसमें आप यहाँ से सेलेक्ट करते से मुझे कस्टमर का रिपोर्ट चाहिए तो पूरा कस्टमर वाइज रिपोर्ट हो जाता है। अगर आपको इंडस्ट्री का रिपोर्ट चाहिए तो इंडस्ट्री के हिसाब से चलाता है, आपको रीजन के चाहिए तो रीजन भी इंक्लूड हो जाता है और यहाँ पर जो कस्टमर सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो ऐड होता है। दिख रहा है सर जी? तो इस तरह से इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। अब इस डैशबोर्ड को एक बार में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको चरणबद्ध तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है सर? ओके सर। इस तरह से तो सबसे पहले डेटा को समझते हैं, डेटा क्या है हमारा, हम पहले डेटा को समझते हैं जी। तो बेसिकली जो डेटा है हमारे पास एक सेल्स का डेटा है कि कस्टमर का नाम, वो कस्टमर किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, किस रीजन में है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया है, उसको सेल करने के लिए क्या एस्टिमेट रिवेन्यू रखा गया था, एक्चुअली में कितना सेल हुआ है और किस क्वार्टर के किस ईयर में हुआ है और हमारे किस पर्सन ने उसको सेल किया है। क्लियर है? Yes. जी। तो चलिए अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डैशबोर्ड कह लीजिए। हाँ, डैशबोर्ड। गुड मॉर्निंग सर, रिकॉर्डिंग का परमिशन। जी हाँ जी, अब्दुल राशिद जी हमारे साथ हैं, ये डेली बेसिस पे क्लास लेते हैं तो उन्होंने डैशबोर्ड की क्लास में उन्होंने बुला लिया था ताकि फॉर्मूले वगैरह इनकी भी चल रही है ना। ओके ओके। अब यहाँ हमने थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जैसे बताया था डैशबोर्ड का सबसे जो अहम हिस्सा है वो क्या है, फॉर्मेटिंग। ओके जी, ये आता है यहाँ पे हम इंडिविजुअल सिलेक्शन। अब यहाँ पे हमारा सिलेक्शन तैयार करना है, सिलेक्ट क्राइटेरिया एंड सिलेक्ट एट्रीब्यूट। ओके जी। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्राइटेरिया हमने यहाँ ले लिया और यहाँ हमारा सिलेक्ट एट्रीब्यूट है। सिलेक्ट एट्रीब्यूट अब जैसे कि सिलेक्ट क्राइटेरिया में सबसे पहला चेकबॉक्स आता है हमारा, मान लीजिए कस्टमर का, कि इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में कस्टमर का फिल्टर ऐड करना है। तो जो सिलेक्ट क्राइटेरिया कस्टमर इंडस्ट्री आ रहा है ना सर, इसको अब ये ना कर सकते, इसको नहीं करते हम, क्योंकि हमें तो ड्रॉप डाउन ही चाहिए। तो यहाँ पर हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे देन यहाँ से पर्टिकुलर कस्टमर को चूज करेंगे तो इसने जो किया है गलत किया है सर। कस्टमर वन तो कस्टमर वन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आ रहा है, बात समझ रहे थे? जी सर। तो क्योंकि उसने यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो कस्टमर इंक्लूड होगा, नहीं किया तो नहीं इंक्लूड होगा, नहीं होगा जी। अब कस्टमर पे क्लिक करने के बाद हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ऑल, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल सिलेक्ट हो, ऑल के जगह पे हम जिस कस्टमर को सिलेक्ट करें उस कस्टमर का लिस्ट आए। क्या सर?
जी सर, ये बेटर रहेगा ना। मतलब हम एक ही मतलब देख क्या है, मान लीजिए स्टेट। ना कि इसे देखो अभी क्या है, ओवरऑल रिपोर्ट दिखा रहा है, तो मुझे ओके यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट चाहिए 2006 की। तो हम ये पहले ईयर पे क्लिक करेंगे और फिर 2006 को सिलेक्ट करेंगे, तो रिपोर्ट हमारा 2006 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दिख रहा है सर? जी 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 या मुझे इसके क्वार्टर वन का चाहिए, तो क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो पहले मुझे इस पे क्लिक करके देन सिलेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि जी जब हम सिलेक्ट कर ही रहे हैं तो पहले क्लिक करें फिर सिलेक्ट क्यों करें। तो मैं यहीं पे हम ऑल का ऑप्शन दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल सिलेक्ट रहेगा, और आप ऑल की जगह पे जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इससे हमारा एक स्टेप बचेगा ना, क्लिक करने का स्टेप बचेगा। जी चलिए, तो यहाँ जो सिलेक्ट क्राइटेरिया, यहाँ पे एट्रीब्यूट वाला सिस्टम जो है हम यहाँ पे हटा देते हैं, सिलेक्ट क्राइटेरिया रख देते हैं, ठीक है नीचे में। अब सिलेक्ट क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है कस्टमर, राइट सर? जी पहले आता है कस्टमर ऊपर, यहां पे कस्टमर के नेम आएंगे, और यहां हम एक अगर टेक्स्ट चेकबॉक्स चाहिए ही चाहिए तो हम एक काम करते हैं कि यहां पे एक इसमें एक चेकबॉक्स लगा देते हैं यहां से, जो कि ऑल का काम करेगा, ठीक है? ओके ऑल, इसको राइट क्लिक करके 3D सेटिंग कर देते हैं फॉर्म एंड कंट्रोल। जैसे मान लीजिए जैसे इस पे ऑल पे क्लिक किया तो फिर ये जो यहाँ पे जो बटन है वो बटन काम ना आए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि ठीक है डेटा में से सारे कस्टमर का लिस्ट यहाँ कैसे आएगा, बात समझ रहे हैं सर? जी तो हमारे पास एक यूनिक नाम का फॉर्मूला होता है, अगर आप डेटा एक्सेल यूज कर रहे हैं तो यूनिक में क्या होता है, किसी भी लिस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस लिस्ट में से वो यूनिक नेम लिस्ट निकाल देता है। लेकिन मैं चाहता हूं इसको यहां इस पे नेम मैनेजर में रखना, क्योंकि डेटा वैलिडेशन में डायरेक्ट यूनिक वर्क नहीं करेगा जहां तक मुझे है। अगर मैंने लिस्ट लिया और लिस्ट में मैंने अगर यहां पे यूनिक का फॉर्मूला लगा दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है कुछ? जी सर नहीं आ रहा। तो अब दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है कि हम जाएंगे फॉर्मूला के डिफाइन नेम में और यहाँ पे हम देंगे कस्टमर का नाम, सेलेक्ट कर देते हैं CUT कस्ट, और यहाँ पे हम फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्रीज कर देंगे क्योंकि नेम मैनेजर में फ्रीज करना थोड़ा जरूरी होता है। एंड ओके, अब क्या करते हैं कि वापस हम डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, और डेटा वैलिडेशन में हम आते हैं यहां पे लिस्ट में और इक्वल CUST कस्ट था ना डालते हैं जी। कंटी वैल्यूज ऑन एरर, डू वांट टू कंटिन्यू? नहीं, ये भी वर्क नहीं किया, एक मिनट। हाँ सी यू कस्ट CUST है, CUST तो था, ये इसको नहीं कर रहा है, मतलब कि ये नहीं ले पा रहा है इसका। तो हमें क्या करना होगा, हमें यूनिक लिस्ट के लिए, क्योंकि यूनिक का फॉर्मूला एरर फॉर्मूला है जिस कारण से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे कस्टमर का एक कॉलम दे देते हैं हम, और यहाँ पे हम यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं यूनिक, और सेलेक्ट कर लेते हैं अपने लिस्ट को। आ गया यहाँ पे यूनिक, समझे जी?
अब ये नाम घटता बढ़ता रहेगा, ये नाम जो दिख रहा है आपको ये घटता बढ़ता रहेगा। एक प्रश्न हटा देता हूँ, तो अगर मैंने इसका लिस्ट कर दिया कल के डेट में नया नाम जुड़ा तो फिर वो नहीं आ पाएगा। तो क्या हम इसको टेबल फॉर्मेट में कर दें? अगर टेबल में करने से क्या फायदा है इसका, चलो मैं एक बार इसको टेबल में भी कन्वर्ट करने का हम यूज कर रहे हैं। देखिए आप जब काम करेंगे तो हर पॉसिबिलिटीज को देखना जरूरी होता है, बात समझ रहे हैं? जी। जब आप जिसमें इसको लिया और इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया एंड माय डेटा हैज ए हेडर, ओके किया, तो मल्टी सेल्स एरे फॉर्मूला इज नॉट द टेबल, तो मतलब ये टेबल में अलाउ नहीं होगा, नहीं समझे? और जी यहाँ पे जीरो भी आ रहा है तो इसका क्या यूज क्या हो सकता है, इसका तो क्या या कर तो हम सकते? ऑफ सेट अगर फॉर्मूला लगाएं, क्या ऑफसेट अगर नया डेटा ऐड हो रहा है और हम ऑफसेट फॉर्मूला लगाएं हाँ उसके वो बाद। करेंगे, मेरे पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं ना सर हम। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा ए हो जाए, मतलब कि जल्दी हो जाए, नहीं समझे, मतलब कि कम कॉम्प्लिकेटेड चीज यूज हो, मेरा ये सबसे पहला ये होता है। लास्ट ऑप्शन तो है हमारे पास पर हम कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। ओके एक ये भी है क्योंकि हम वहाँ कल ये देते हैं ना, इसको कॉपी करके इस फॉर्मूले को MIN को फिनिश कर देते हैं। अब इसको इसको कॉपी करके क्या ये डेटा वैल्यूएशन में यूज होगा? टेक्स्ट का फॉर्मूला, टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला भी एक आया है, तो इस तरह से कॉमा कॉमा कर देता है और लिस्ट में हम लोग कॉमा कॉमा ही लगाते थे, नहीं क्योंकि ये सब एरे फॉर्मूला है, इस कारण से ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं लगा। तो चलिए लास्ट तरीका है उसी को अपनाते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका? ऑफसेट का, ठीक है? ऑफसेट फॉर्मूला में हमने रेफरेंस इसको सेलेक्ट किया और रेफरेंस इसको सेलेक्ट करने के बाद हम दिए रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 हाइट। अब हाइट में सिंपल हम काउंट ए लगा देंगे तो क्या होगा, वो सुन सारा रहे वो हैं? काउंट करने लग जाएगा, कोई एरर नहीं ऐड होता तो। क्योंकि तो काउंट ए लगा देंगे तो देखिए 0 है ना, 0 को भी काउंट कर रहा है ना, बात समझ रहे हैं? सर तो जी जी यहां जी हम काउंट के हाइट के लिए काउंट इफ्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? काउंट इफ्स काउंट इफ्स का, काउंट इफ्स। और काउंट इफ्स में हम देंगे इस कॉलन को और बोलेंगे कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समझे? और दूसरा हम इसको सेलेक्ट अच्छा किए और ठीक बोले कि ए जो है नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ दिए और यहाँ पे बोले कि नॉट इन्वर्टर कॉमा में नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक अरे सॉरी, नॉट इक्वल टू स्पेस, ब्लैंक वो नहीं है, अच्छा ब्लैंक वाला पार्ट को छोड़ डबल देते हैं, छोड़िए एक ही लेकर चलते हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक और इसके बाद इसमें विड्थ, विड्थ हमारा 1। अब ये फॉर्मूला एरर क्यों दे रहा है? अब इस फॉर्मूला को हम एवलुएट करके चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला एरर क्यों दे रहा है। ओ काउंट का रिजल्ट 0 दे रहा है, काउंट इफ का रिजल्ट।
कोई नाम यहाँ नया ऐड होता है, जैसे मान लीजिए योगिता, योगिता आ गया। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई कि नया नाम जो आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दिख रहा है सर आपको? तो हमें क्या करना होगा, एक प्रभावित जगह पे लेके कंट्रोल से एंटर करना होगा। ये एक छोटा सा ये दिक्कत आ गई, और इफ एरर, अगर एरर आता है तो इसमें से यूनिक लिस्ट निकालना है सर, इसलिए दिक्कत हो रही है सर यहाँ पे। इसको हम पिवट टेबल के थ्रू करते हैं तो इजीली हो जाता है। अच्छा फॉर्मूला लगा हुआ है तो ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इक्वल काउंट ए लगाता हूँ तो क्या होगा, 30 आ रहा है, गलत 30 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाता हूँ। एग्रीगेट फॉर्मूले में मैं देता हूँ फॉर्मूला काउंट का, काउंट ए, और किसको इग्नोर करना है, इग्नोर इग्नोर नेस्टेड सब टोटल नहीं, इग्नोर नेस्टेड, हाँ इग्नोर एरर, इग्नोर एरर वैल्यू, और हमने इस पूरे को ले लिया 15। फिफ्टीन है, इसमें जीरो को भी लिया हुआ है। ये फॉर्मूला हमारा काम का है, इसी को लेते हैं, ठीक है सर जी। और यहाँ पे काउंट इफ के जगह पे हम इसी को यूज कर देते हैं और माइनस वन कर देते हैं, क्योंकि ये जीरो है, नहीं माइनस वन की जरूरत नहीं रहने देते। हाँ ये फॉर्मूला अब परफेक्ट है। इसको जाते हैं हम, करते हैं डिफाइन नेम में, फॉर्मूला फाइन नेम, और हमने एक मिनट कस्टमर का लिस्ट बना रखा है ना, हमने उसी को चेंज कर दिया। हाँ उसी में अगर चेंज कर दिया, और जाहिर सी बात है हमें इसको फ्रीज करना होगा। टिक्का निशान लगा दीजिए एंड अब यहाँ आते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पे देते हैं CUST कस्ट। अब यहाँ पे कस्टमर लिस्ट आ गए जी, ठीक है सर? ठीक है सर, लिस्ट सही है ना सर? सर ये जो ऑल किया था वो मतलब अगर ऑल हटाएं तो जैसे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करूँगा ना ये ऑल हट जाएगा, और जैसे ऑल क्लिक करूँगा, ऑल क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑल हो जाएगा। नहीं
नहीं समझा सर, ये ऑल पर्पस क्या हुआ इसका? जैसे कि मुझे इंदर का है, मुझे ऑल देखना, ओवरऑल देखना है, तो ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ हो जाएगा, ओवरऑल दिखेगा। और अच्छा एक अच्छा समझ गए रिपोर्ट। अच्छा, और अगर यहाँ पर्टिकुलर जो इंदर का आपको देखना तो सर, इंदर जो इंदर दिख का रहा है, यहाँ इंदर जो दिख रहा है ना सर, जी मुझे इसमें एक ऑल भी करना होगा यहाँ। और अपना ये इसके अंदर फॉर्मूला जो है मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर ए बाई ए, तो ए वन से लेके हम ए 1500 कर देते हैं, ए वन में ए टू होना चाहिए, ए 200। ठीक है सर, नाम आ गया, ए ऑल आ गया। और हम अपना जो मैंने जो डेटा यहाँ पे फार्मूला के अंदर जो हमने नेम मैनेजर में कष्ट दिया है, इसमें जो एम टू से कर रखा है हमने ना सर, जी एम टू के जगह पे एम वन हो जाएगा हमारा, और ए रो नंबर वन के जगह पे जीरो हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ देखिए, अब यहाँ से भी हम ऑल पे क्लिक कर सकते हैं राइट, और यहाँ से भी ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे एक चीज करना, जैसे मैंने इसको ऑल किया, यहाँ पे ऑल हो जाना चाहिए, जैसे हमने ऑल पे क्लिक किया यहाँ पे ऑल हो जाना चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ, अच्छा अगर मैं कोई पर्टिकुलर नेम सिलेक्ट करूँ तो वो हट जाना चाहिए। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे पूजा सिलेक्ट करूँ तो यहाँ जो है ऑल से अनचेक हो जाना चाहिए। ओके, बात समझ रहे हैं सर? समझ गया ना सर, तो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिएगा। जी हाँ, लेकिन ये चीज़ें जो है आपकी, ये चीज़ें प्रॉब्लम है कि एक्सेल से पॉसिबल नहीं है, बात समझ रहे हैं सर? एक्सेल से पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल नहीं, एक्सेल से पॉसिबल नहीं है, ये तो हो जाएगा। जैसे ऑल इस पर जब क्लिक करते हैं, नहीं ये तो सही है, जैसे ऑल हटेगा तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना, किसका चाहिए आपको? तो हम, मैं यहाँ ऑल हटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे पूजा सिलेक्ट किया तो ये ऑल ऑटोमेटिक हट जाना चाहिए, हट जाए जी। ठीक है, और जैसे मैं इस पे ऑल क्लिक करूं यहाँ पे पूजा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेल लिंक करूंगा, सेल लिंक में मैं डेटा के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ ट्रू है, अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया ना सर, तो आप देखेंगे डैशबोर्ड में ये ऑल हट जाएगा, हट गया। तो इसके लिए हम एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ पे व्यू कोड में आके छोटी सी प्रोग्रामिंग, राइट क्लिक व्यू कोड, व्यू कोड में हमें यहाँ सेलेक्ट करना है वर्कशीट, और यहाँ करना है चेंज वैल्यू, यहाँ चेंज पे, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ एक एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डिस्प्ले अलर्ट, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ होगा कि इफ टारगेट एड्रेस, टारगेट एड्रेस इक्वल टू कौन सा है B6, नहीं यहाँ पे सही नहीं होगा सर, ये ठीक सही नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे फिर कस्टमर है, प्रोडक्ट है, और भी चीजें हैं ना सर।
तो मैं फिलहाल इस ऑल को रखता हूँ, इस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, और पूजा वगैरह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चेंज नहीं होगा। ये भी टिक का टिक नहीं हाँ होगा मुझे। इसमें हम हाँ ये टिक एक मैनुअल फिलहाल रखते हैं, क्योंकि फिर बहुत कोडिंग करना पड़ेगा आपकी, आपको जो है कोडिंग का कोई फिलहाल मैंने कुछ दिया नहीं है नहीं इसलिए पता उसका नॉलेज नहीं सर। हाँ समझ में नहीं आएगा। हाँ आगे जब कोडिंग की क्लासेस समझाएंगे तो आपको ये चीज़ समझा देंगे, ठीक है, जी क्लियर है। अब यहाँ पे हमें देना है क्वार्टर्स, यहाँ पे रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भी तो जनरेट कर ले कि हाँ वही हो रहा है, तब ताकि मैं सबको उससे लिंक कर दूँ मैं। तो यहाँ हमने कर दिया क्वार्टर्स, और यहाँ पे हमने कर दिया क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, चार क्वार्टर है, चार क्वार्टर हम कर देते हैं क्वार्टर फोर, राइट। और यहाँ पे ईयर है, अब बात यह है कि मेरा डेटा कितने ईयर का है मेरे पास इसकी आइडिया नहीं है, समझे जी। मेरे पास इसकी आइडिया नहीं, तो क्या करें, यूनिक तो यहां पे एक मिनट बताता हूं आपको मैं, तो इसके लिए हम यहां ट्रांसपोज का फॉर्मूला अपनाते हैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के अंदर हम देंगे यूनिक। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि तो यूनिक जो देता है वर्टिकल देता है, हमें तो ओरिजेंटल चाहिए ना सर। जी, तो हमने यहां हमने ईयर में आए और ईयर के डेटा को हम नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं, आ गया सर। बट यहां एक जीरो भी आ गया, तो फिलहाल हम यहां पे कर देते हैं ये सर। हाँ ये जीरो, ये तो मतलब ये एक जीरो ब्लैंक, क्यों आता क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है ना, तो इसमें एक ब्लैंक जीरो तो है ना सर। अच्छा समझ गया ना, अगर आप एरिया तक सेलेक्ट करें, आप जो यहाँ इसकी जो एरिया है 504 तक सेलेक्ट करें तो जीरो नहीं आएगा, बट हम 504 तक सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन फ्यूचर में डेटा बढ़ सकता है ना। बिल्कुल समझ गया मैं सर आपका पॉइंट। अब मैं यहाँ भी एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ इफ अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक, ठीक है जी, नहीं तो जो ट्रांसपोज हमें दे रहा है वो दे दे वही है। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है सर जी, ठीक है क्लियर है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि आगे इन फ्यूचर में डेटा बढ़ सकता है ना, ईयर का चेंज हो सकता है, फिलहाल 5 साल का मेरा है, 5 साल हम लेके चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से मेरा जो टोटल है वो चेंज होता जाए, समझे जी सर, उसके हिसाब से मेरा टोटल चेंज होता जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सम इफ्स का, किसका लगाएंगे सम इफ्स का। सम इफ्स में हम जाएंगे डेटा के अंदर और हम लेंगे अपना सम, किसको करना है सम करना है, किसको है मान लो एस्टिमेट, इसको एक्चुअल एक्चुअल, उसमें हमने बोला कि हमें चाहिए क्वार्टरली रिपोर्ट, तुमने क्वार्टर के कॉलम को लिया और यहाँ से क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन चाहिए हमें ईयरली रिपोर्ट, हमने ईयर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम ईयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। देन कस्टमर, तो यहाँ पे हम कस्टमर को सेलेक्ट किए और यहाँ कस्टमर मोहन हमने ले लिया, ठीक है ठीक है। ये तो मोहन वाइज रिपोर्ट हमारा दिख रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करूँ, क्या करूँ ऑल सेलेक्ट करूँ तो जीरो हो जा रहा है, समझ रहे हैं सर जी। तो क्या करें इसके लिए, तो मुझे एक हिडन में, मुझे यहाँ
एक हिरन में यहाँ देना होगा। ये सर जीरो वैसे क्यों हुआ? क्या? ये जीरो अगर मैं ऑल कर रहा हूँ, अगर मुझे सभी का डेटा चाहिए तो हाँ, ये वही जीरो उसी क्यों ले रहा उसी हूँ? का उसी का यहाँ हम उसी का ना सलूशन करने जा रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ट्रू आएगा, है ना सर? तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाते जी हैं किसका? और का। और में हम बोलते हैं कि ए ट्रू होना चाहिए या फिर ए इक्वल टू ऑल होना चाहिए। ये मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है, समझे? उसके बाद यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ अगर यहां ट्रू है तो हमें सिर्फ सम का फॉर्मूला लगाना है, समझे? अच्छा, समझ गया। अगर सम का हम ऑल कर रहा हूँ तो सारा सम कर दे। नहीं तो फिर ये जाए एफ बाई एफ एन। हाँ सॉरी, हमने एस्टिमेट ले लिया है, आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर भी ट्रू है। और ऑल के जगह पे मान लीजिए मैंने पूजा सेलेक्ट किया, देन मुझे पूजा का रिपोर्ट मिल रहा है, अब समझे? क्लियर जी, क्लियर। ओके सर, अब ये जो फॉल्स, दो फॉल्स आ रहा है, अब इन दोनों फॉल्स को हम क्या करते हैं, व्हाइट कलर दे देते हैं, जो विजुअल नहीं होगा। और फिर हम इसको ड्रैग करेंगे, और जाहिर सी बात है ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज व्रीज तो करना पड़ेगा ना सर? जी हाँ, फ्रीज बिल्कुल। करना पड़ेगा। सर एक मेरे को क्वेरी है यहाँ पे। हाँ सर, जैसे आपने ये B7 और C7 पे ट्रू फॉल्स लगाया, अगर डायरेक्ट हम इफ कंडीशन के साथ लगा देंगे कि B6 में ऑल रहे तो टोटल सम कर ले, अदरवाइज हमारा सम इफ का कंडीशन काम करे, वैसे भी तो हो सकता है ना सर? कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अभी इसमें बहुत ये तो शुरुआत है सर, इसमें बहुत और फॉर्मूला ऐड होने वाली है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेट करेंगे तो बाद में फॉर्मूला में किसी तरह के चेंजिंग करना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, ओके सर समझ रहे हैं ना? जी सर। इसलिए तो ये हमारा B6 है, B6 को फिक्स है तो B6 फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये है B10, तो B10 का 10 फ्रीज होगा, ए फ्रीज नहीं होगा। उसके बाद इसका नंबर A11 का नंबर फ्रीज नहीं होगा। और हमने डेटा को लिया और ड्रैग कर दिया, राइट सर? राइट तो जैसे यहाँ पे है आप देख रहे हैं कि ये है एस्टिमेट वैल्यू है, तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू कर देते हैं, इसको लेके इसको लेते हैं और यहाँ पे हम एक लंबा सा येलो कलर देते हैं, ये देते हैं ACTUA, ठीक है? और फिर इसको अब इसको बात आती है फॉर्मेटिंग करने की, तो आप अपने हिसाब से इसको लेना सर। हाँ, अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग सॉरी कर दीजिए, जैसा फॉर्मेटिंग रखना चाहे, जिस तरह का करना चाहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गया सर?
अभी हो गई रिपोर्ट कि हम इसको पूजा का देख लेंगे, अब बात करते हैं कि कस्ट प्रोडक्ट का, समझे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट को भी कर सके। और कस्टमर को भी यहाँ से हम अच्छा इसमें सब एक ही जैसा आ रहा है। हाँ, देख रहे हैं प्रॉब्लम सर क्या हो रहा है। जी, वो सारा ऑल अगर कर रहे हैं तो सारे क्वार्टर्स का सारी तो इसकी। यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला जो मैं लगाया है ना सर, उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है ना। यहाँ सम नहीं, मुझे यहाँ सम इफ चाहिए होगा। सम इफ्स, मुझे दो दो सम इफ्स लगाने होंगे सर, यहाँ पे दो दो सम इफ्स लगाने होंगे। तो फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा सर, और यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो एक बार मैं इसको कलर हटाता हूँ। कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे इजीली हमें हमें करना पड़ जाए। यहाँ ऊपर में यहाँ हम इसको सम इफ यूज करना होगा, और कुछ नहीं, और बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे देंगे हम सम इफ्स में हम यहाँ आते हैं और हम बोलेंगे कि मुझे एक्चुअल का चाहिए, एक्चुअल ले लिए हमने, ठीक है। और पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारा क्वार्टर है, क्वार्टर और क्वार्टर में हमने कर देते हैं B11, और उसके बाद हमारा है ईयर B10। ठीक है, अब इसको फ्रीज करने से पहले हमें इसको आगे बढ़ाने से पहले फ्रीज करना होगा। B11 का हमारा B फ्रीज होगा, और HH इसको कर देते हैं, और इसका जो है हमारा B10 का 10 फ्रीज होगा। कंट्रोल आर कंट्रोल डी हो गया। अब इसमें हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट। अब बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, ये आ गई हमारे कस्टमर के सेल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि यहाँ हम यहाँ पे है कि जब एक को सिलेक्ट करेंगे तो सबको सिलेक्ट होगा। एक में राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो पे आते हैं, असाइन मैक्रो नहीं, फॉर्मेट कंट्रोल पे, और हाँ इसको देखते हैं, ओके करते हैं। तो इसमें हमने ये कर दिया है कि अगर हम किसी एक ऑल को क्लिक करते हैं तो सारा ऑल होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअली एक एक करना पड़ जाएगा।
अगर मैं इसको सेलेक्ट करके 3D करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होती है? ओके, देयर आर वन मोर सर्कुलर रेफरेंस। हेलो, अभी यहाँ पे भी हमने कर दिया। Recording in progress. अभी इसमें देखिए क्या है। अब सबसे पहले जो ये पूजा वगैरह पर्सन है, ये मुझे यहाँ से हटाना, यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। मैं इसको कर रहा हूँ, फिर आपको बाकी करने हैं, ठीक है सर? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ए डबल एल ऑल लगा दिया, और फिर यहाँ हमने यूनिक का फॉर्मूला लगाया। यूनिक, और यूनिक में इस बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट को, नीचे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के लिस्ट आ गए, प्रोडक्ट लिस्ट आ गए। अब इस बार हम डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट जो है लिमिटेड है, तो उसमें वो लगाने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर हमारा अलग अलग है, बट प्रोडक्ट तो हमारे पास लिमिटेड है। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन? जी जी हमने डेटा में गए और यहां से आपने प्रोडक्ट लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ गया। अब जैसे यहाँ पे ऑल करूँगा मैं, यहाँ ऑल आ जाएगा, और ये सर दोबारा रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए कि वो क्लोज हो गया था। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट ऐड कर लिया, और उसका भी सेम फॉर्मूला लगा दिया कि ऑल होगा तो ट्रू हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ऑल होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब इसमें हमें इसमें जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसके अंदर हमें चेंज करनी है, तो कुछ नहीं है यहाँ, बाकी सबसे तो सेम है, बट यहीं पे जो हमारा फॉल्स वाला पार्ट है, इसी में हम क्राइटेरिया करेंगे। एक अगला क्राइटेरिया प्रोडक्ट का, हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ले लिए, और क्राइटेरिया जो हमारा होगा डैशबोर्ड के अंदर, ये हमारा ए होगा D60, ठीक है D60।
एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है ना सर। जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑल सिलेक्ट है। क्या सिलेक्ट है? ऑल सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ एक और चीज कर सकता, क्लास लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं दूंगा कि अगर ये इफ कंडीशन कि इफ अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे दे दे ग्रेटर देन जीरो, नहीं तो ऑल ए दिखा दे। तो अभी ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है ना, तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि जो ए हमने डी सिक्स किया हुआ है, डी सिक्स को लेके यहाँ कर देता हूँ। तो ये भी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, हाँ यहाँ पे डी सिक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टार के अंदर क्वेश्चन मार्क स्टार। अब आए क्वेश्चन मार्क स्टार क्या होता है सर? मतलब कि सारा ऑल एवरीथिंग। तो यहाँ भी जो हमने फॉर्मूला लगाया है ना, इफ वाला जो फॉर्मूला ऐड किया है ना मैंने, यहाँ पे दिख रहा है ना सर ये जो हमने पूजा और बाकी चीज लिए हैं, इसको भी सिंपलाइज किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू। ये जो हमने एक और समीफ लगा दिया है ना, एक और समीफ लगा दिया है ना, ये जो दिख रहा है ना, इस समीफ को भी हटाया जा सकता है। तो सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, वो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है सर? ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं सर? जी जी जी। हमने बोला कि अगर यह ऑल होगा, एक मिनट ये सर्कुलर रेफरेंस क्यों आ रहा है फिर? चलो किया हमने, छोटा सा प्रॉब्लम आ गई कि सर्कुलर रेफरेंस क्यों दिखा रहा बार बार। डैशबोर्ड बी सेवन ओके, और फिर ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस आ रहा है, पता नहीं क्यों। अगर मैं यहाँ आता हूँ डेवलपर में, यहाँ से चेकबॉक्स लेता हूँ, यहाँ डिजाइन लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ट्रू है, नहीं मैंने दिया हुआ कि ऑल होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इसको फर्क पड़ रहा है सर्कुलर रेफरेंस का। से ट्रू है तो ये दिखा दे, तो बी सिक्स को शो कर दे।
सर्कुलर होने से कैलकुलेशन नहीं होगी। चल गए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब तो नहीं आ रहा सर, अब नहीं आ रहा ना। अब यहाँ कॉमा लगाते हैं और मैं बोला कि ए ट्रू होना चाहिए या फिर ए इक्वल टू ऑल होना चाहिए। आर द सेकुलर फ्रेंड्स बी सिक्स इससे कौन सा जुड़ा हुआ है, इस एक मिनट में डिपेंडेंट ऐड करने दीजिए मुझे यहाँ। यहाँ पे जब अच्छा मैं यहाँ फॉर्म लगा देता हूँ और अगर ये इक्वल टू ऑल है और ए ट्रू, हाँ सही है, इससे कुछ प्रॉब्लम था समझे। अब मैं यहीं पे साइड यहीं पे लगाता हूँ फॉर्मूला कि इफ और अगर ये ट्रू है और ये ऊपर वाला इक्वल टू ऑल है तो यहाँ पे आना चाहिए यहाँ क्वेश्चन मार्क और स्टार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड स्टार। क्वेश्चन मार्क को स्टार क्या बताया था, क्या देगा हमारा क्वेश्चन मार्क, मतलब कि कोई सारे और है यहाँ पे तो जो हम दो दो जो इफ लगाए हो, सम इफ लगाया हो ना, हम उसी को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक ना करेंगे तो पूजा आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो सम इफ एक और लगा के फॉर्मूला को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना जी, उसी को रिमूव कर दें, जो इफ वगैरह हमने लगा रखा है इसको रिमूव कर दें समझे। और यहाँ जहाँ पे हमने ने मतलब कि पूजा बी सिक्स ले रखा है ना, बी सिक्स, इस बी सिक्स को हटा के हम कर देते हैं, बी सिक्स को हटा के हम कर देते हैं बी एट, समझे। अच्छा ऑल ठीक है, इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे क्योंकि इसमें क्या है कि एक मिनट जीरो को आ गया, ए 11 सही था, बी 10 सही था, ए बाई ए बी 8 बी 8 डेटा डी वाई डी 8, हाँ डी वाई डी को हमने फॉर्मेट नहीं किया था इसलिए, फ्रीज नहीं किया था इसलिए, और डी 8 को भी फ्रीज करना है इसको भी। अब ड्रैग कर कोई कह रहा सर इसमें ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कई सारे क्राइटेरिया है ना इसमें आगे आगे फिर ये आएगा रीजन आएगा और भी चीजें आएगी ना सर। तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम सेलेक्ट करता हूँ जैसे प्रोडक्ट वन कर दिया तो रिपोर्ट प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन
कस्टमर ऑल लिया इसने, और सॉरी पूजा कस्टमर, सॉरी ऑल कस्टमर, माफ कीजिए ऑल क्लिक है ऑल लिया इसने। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से मोहन सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये ऑल को अनचेक करता हूँ, तो अब सिर्फ मोहन का आ रहा है, ऑल का नहीं आ रहा है। ऑल क्लिक करूँगा तो ऑल का आएगा, ऑल हटा दिया मोहन का आएगा, दिख रहे हैं, समझे जी? जी जी, तो ये चीज कैसे अप्लाई इंप्लीमेंट किया, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, से थोड़ा बहुत आया है, मैं सिंपल एक बार इसको प्रैक्टिस, क्या है कि हमें सम इफ का फार्मूला हमारे पास है जो मल्टीपल कंडीशंस लेते हैं, और सम इफ के अंदर में आप अगर स्टार और क्वेश्चन मार्क स्टार दे देते हैं, इसका मतलब कि एक लेटर, मतलब एक कम से कम एक लेटर हो, उसके बाद जो भी चीज हो सबको कर देगा। अच्छा समझे जी, तो इसलिए हम समीप में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला हम बात करते हैं, मुझे अगला जो है वो रीजन है, और रीजन भी हमारा फिक्स है, ठीक है? तो यहाँ हम देते हैं ऑल, और यहाँ लगाते हैं यूनिक, यूनिक, यूनिक में हम सिलेक्ट करते हैं रीजन्स को, रीजन्स आ गए, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑल लिखते हैं, सॉरी ये मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इसको हाइड कर दीजिए, इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं, इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं, इसको डिलीट मार दीजिए, और यहाँ पे ऑल हमने कर दिया यूनिक, यूनिक कोड हो गया, यूनिक, और यूनिक में हम सेल्स रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं, ओके जी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम प्रोडक्ट के जगह पे देते हैं रीजन, और यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे हम सेल्स रिप्रेजेंटेशन, सेल्स इंडस्ट्री दे सकते हैं, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री, सही बोला आपने, हमने इंडस्ट्री दे दिया, ओके, इसको कलर कर देते हैं, और यहाँ हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, लिस्ट रीजन, रीजन पे हम रीजन पे चले जाते हैं, जो हमारा रीजन है ऑल से लेंगे ना, उसके बाद हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यहाँ डेटा वैलिडेशन लगाते हैं लिस्ट, और यहाँ से जो है हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे देते हैं ऑल, और यहाँ पे यूनिक, और यूनिक में हम दे देते हैं इंडस्ट्री को, और यहाँ जो हमारे इंडस्ट्री का जो है डेटा वैलिडेशंस उसको लेते हैं, डेटा वैलिडेशंस लिस्ट, और यहाँ पे आके हम अपना लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, इसमें हेल्थ नहीं है, ऑल है, F2 कंट्रोल, हाँ
लिस्ट और यहाँ पे आते हैं ऑल पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम बटन देते हैं, डेवलपर में आते हैं, हमें चाहिए चेकबॉक्स, हमने चेकबॉक्स लिया ओके, और इसमें हमने दे दिया ऑल और राइट क्लिक किया फॉर्मेट कंट्रोल 3D सेविंग और मुझे यहाँ इसका लिंक दे देता हूँ। अच्छा रीजन तो रह गया, तो गवर हो गई yes. यहाँ रखना था हमें इसको राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल 3D सेटिंग और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ट्रू बॉक्स और लास्ट हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल सेल लिंक एंड 3D सेटिंग और हमने इसका ये नहीं किया हुआ है बॉर्डर नहीं लगाया हुआ है। अच्छा पता चले किसका कौन सेक्शन है जी, ये भी जरूरी था सर, ठीक है। अब यहाँ सबके नीचे मुझे प्रोडक्ट देने होंगे, यहाँ इफ और में हमने बोला कि ए इक्वल टू ऑल और ट्रू, ऐसा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और स्टार, अदरवाइज जो नेम है वो शो होगा, ठीक है सर। अब इसी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ राइट, और यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे सम इफ लगाया हुआ है, अब इसी सम इफ में हम आगे क्राइटेरिया ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया 5 में हम क्या करना है, हम दो चल चुके हैं, तीसरा रीजन है। तो डेटा में आते हैं और हम यहाँ रीजन को सिलेक्ट करते हैं, रीजन के कॉलम को, और फिर डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ रीजन के लिए क्या है F8 को सिलेक्ट करते हैं, और ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है सीफ नेम, इसको डिलीट कर देता हूँ वरना बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, और C/C को भी फ्रीज कर देता हूँ और F8 को भी फ्रीज कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डेटा में आते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर वापस डैशबोर्ड में आते हैं और ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अपना रहे हैं राइट सर जी। हम यहाँ पे F4 लगा देते हैं
और यहाँ भी हम F4 लगा देते हैं। उसके बाद तीसरा लास्ट जो है इंडस्ट्री, तो यहाँ इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं और डैशबोर्ड में जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर को अपनाएंगे। और यहाँ पे एफेक्ट, ठीक है सर जी। अब इसको आगे की तरफ जो नीचे तक डेटा है वहां तक हम यहाँ तक हम ड्रैग कर। अब जैसे कि यहाँ पे हमने चेक हटा दिया सर्विसेज में, सर्विसेज के अकॉर्डिंग आ रहा है सर, हटा दिया। ओपन सोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसको हटाया तो जीरो है, तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा यूरोप, यूरोप के अकॉर्डिंग आया प्रोडक्ट मोहन। अब इसमें जीरो आ रहा है मतलब कि हमने कहीं भी कोई गलती की है सर, अदरवाइज जीरो नहीं आना चाहिए। मोहन प्रोडक्ट वन यूरो सर्विस, मैं इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको ऑल पे करता हूँ नहीं फर्क पड़ रहा है, इसको ऑल कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि हो सकता है कि मोहन जो है वो प्रोडक्ट वन सेल ना किया हो, बात समझ रहे हैं ना। मोहन जो है हो सकता है प्रोडक्ट फोर हो गया या प्रोडक्ट टू सेल किया है ना 2016 में और 2019 में क्वार्टर फोर में, तो डेटा नहीं है इस कारण से ऐसा दिख रहा है। आ गया समझे सर जी। ये चेक के जगह पे हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट और इसको चेंज किए नहीं, इसको ऑल करना था ना। तो मल्टी कंडीशंस कैसे लगाएगा आप, ये समझ में आ गया सर। और इसमें हमने एक बीवी का थोड़ा भी कोड यूज नहीं किया है और सिर्फ एक फॉर्मूला हमने समीफ लगाया हुआ है, राइट राइट जी सिंपल। तो इस तरह से समझ से किया जा सकता है, और इसको मैं तो अलग तरीके से बनाया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी यहाँ जो दिख रहा है आपको एस्टिमेटेड वैल्यू एंड यहाँ आपको दिख रहा है एक्चुअल ओवरऑल, दिख रहा है सर। हेलो जी हाँ, ओवरऑल और एस्टिमेट जो है यहाँ इसने इसको शो किया हुआ है, तो हम भी शो कर देते हैं। लेकिन इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, बट इसमें क्या है कि ईयर और क्वार्टर ऐड नहीं है, तो हम इसी फॉर्मूले को यहां हम पेस्ट करते हैं और इस फॉर्मूले में से हम क्या गायब करेंगे, इस फॉर्मूले में से हम क्वार्टर का जो एफ बाई एफ जी बाई जी A11 इसको गायब करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका B10 वाला है, B10 का जो H बाई एच है और B10 है इसको गायब करना है। ये क्यों क्यों ये सब क्यों सर, हमें यहाँ पे हमें क्वार्टर और ईयरली नहीं, मुझे ओवरऑल चाहिए सर, लेकिन ओवरऑल चाहिए इस कंडीशन पे। अच्छा, इसलिए हमने समीप तो वही रखा, पर जो ये जो क्वार्टरली और ये सब का जो एक था ना लिंक वो हटा दिया। हाँ जी हाँ जी, वो हटा ठीक। और ये हमारा एस्टिमेटेड है, तो एस्टिमेटेड जो हमारा है वो कहाँ है, एस्टिमेटेड जो है हमारा ई कॉलर में है, तो यहाँ पे हम एफ के जगह पे ई करा देते हैं। डेटा में आप देखेंगे तो ये आपका ई कॉलर में है ना, ई कॉलर में। अब ये सेम फॉर्मूला जो हमने लगाया है इसको कॉपी करते हैं वापस और यहाँ हम पेस्ट करते हैं और इसमें ई को एफ बना देते हैं, जब पहले पेस्ट कर देते हैं तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा बार लगा देते हैं, समझे जी मैं। अब बट डेटा बार में तो अच्छा नहीं आ रहा है ना सर, ये पूरा फुल हो गया दोनों का दोनों, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ जी, तो चलिए इसको वन बाय वन लगाते हैं। हम पहले इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसमें हम ये करते हैं रेड को सिलेक्ट करते हैं, रेड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया हमारा
फॉर्मेट सेल, सॉरी फॉर्मेट नहीं, इसके कंडीशन फॉर्मेट। तो अभी यहाँ क्या है, इसमें क्या है कि हमें देना है कि इसमें तो सब पे ऑल पे क्लिक है ना सर, ऊपर चला गया सिर्फ इसमें सर्विसेज का है ना क्या? हाँ जी। तो मुझे यहाँ एक टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल टोटल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इसका क्या परसेंटेज है, बात समझ रहे हैं सर? यहाँ हम एक टोटल चाहे यहाँ पे दे देते हैं, हाँ इसी यहीं पे नीचे ही देते हैं, टोटल। और टोटल में बस सम का फॉर्मूला लगाना है, सम एस्टिमेटेड और यहाँ यहाँ वापस सम, सम एक्चुअल, ठीक है। अब इसमें हम राइट क्लिक करते हैं और इस राइट क्लिक इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो बार आपका सॉलिड फिल दिख रहा है, बार अपीयरेंस है बार कलर, और यहाँ पे जो टाइप है आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक है, हम ऑटोमेटिक के मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम कुछ नहीं करते, जो मैक्सिमम हमारा है उस मैक्सिमम को नंबर कर देते हैं और यहाँ हम सेल से लिंक कर देते हैं एन को, एन सेल को, आगे सर अब समझ में आया कि ना सर? जी जी जी। और सेम यहाँ हम ग्रीन करते हैं, इसको ग्रीन करते हैं हम यहाँ पे, इसी रहेगा। और फिर इस पे भी हम सेम करते हैं, बट इसमें हम ऐसा नहीं करना चाहते सर, हम इसके टोटल से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि इसके जो रेवेन्यूज है उससे कितना हुआ, बात समझे? कि एस्टिमेट किया गया था 37,700 बट एक्चुअल हुआ 37,038, तो कितना उसने अचीव किया, इससे करना चाहते हैं, इससे सॉरी 37,600 कम है, ठीक है सर, दिख रहा है सर? हालांकि ये चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि मैंने बताया कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम इस तरह से दूसरे को भी कर सकते हैं, और इसको हम यहां से अब दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं कलर, ओके सर? तो ओके सर, तो समझ में आ रहा है आपको सर ये सारी चीजें? जी अब इस जो मैंने इसको किया एस्टिमेट को किया है सेम यहाँ एक्चुअल है, दिख रहा है सर? तो ये दोनों रिपोर्ट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था इसको पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ जी सर, इतना आज के लिए हाँ, मतलब इसको प्रैक्टिस काफी चाहिए। जी हाँ, तीसरा डैशबोर्ड हमने बनाया है आपने इसमें, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और दोनों फाइल हम आपको भेज देते हैं। कल की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एक बार आप इसको समझ लें। ठीक है सर।